गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ट्वेल्थ साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स, उसमें एक्सरसाइज 4.2 पे थे, जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज में से एक है। और काफ़ी सारे सम हमने वही एक सिंगल मेथड से कंटिन्यू किए हैं, वही कंटिन्यू है बेटा, पर सम लेंदी है। तो सम नंबर 11, लास्ट टाइम 10 के दो सम हमने किए थे, एक मैंने करवाया था, दूसरा आपको सेम थिंग था तो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। नंबर 11 में भी ऐसा है। तो LHS हमारी क्या है, सम नंबर 11 और उसका नंबर 1, LHS में दिया हुआ है सबसे पहले a माइनस b माइनस c इधर भी 2a, इधर भी 2a, देन आफ्टर b माइनस c माइनस a, यहाँ पे 2b, b माइनस c माइनस a 2b, फिर 2c, 2c, यानी c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b। हमको प्रूव दैट ऐसा करना है, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। क्या प्रूव दैट करना है, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, सिंपल है। पर पहले ये करो कि क्या कुछ कॉमन निकल सकता है और क्या कुछ पॉसिबल है। ओके, तो डायरेक्टली तो मुझे नहीं लगता कि कोई जीरो हो, तो 1 0 कुछ होने के चांसेस है नहीं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे बेटा कि याद है हम करते थे बार बार, कोई रो या कॉलम को सेम बनाने की कोशिश करो, सबको एकजुट करके। अगर सेम बन जाए तो कॉमन निकल जाए, कॉमन निकल जाए तो 1 आ जाएगा। ऐसा ही ये 2b को इसमें डालो तो माइनस बी प्लस 2b बी हो जाएगा, 2c को इसमें डालो तो माइनस सी प्लस 2c सी हो जाएगा। ऐसा सभी में होने वाला है। तो रो नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में डालो, रो नंबर 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में डालो। दोनों को मतलब किस में ऐड कर रहे हैं हम, 1 के अंदर। चलो तो क्या हो जाएगा इधर, अब देखना a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। सेम दूसरी रो में भी देखो, सबको इधर लाओगे तो माइनस सी प्लस 2cc माइनस 2a प्लस a, तो a प्लस बी प्लस सी, अगेन a प्लस बी प्लस सी, ये 2b, बी माइनस सी माइनस ए, ये भी 2b, ये 2c, 2c, सी माइनस ए माइनस बी। रो नंबर 1 में से कुछ कॉमन निकल रहा है ए प्लस बी प्लस सी, और फ्यूचर में हमको उसी तरह का ब्रैकेट भी चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया तो 1 1 1, ये 2b, ये 2c, बी माइनस सी माइनस ए, ये 2c, ये 2b, और c माइनस ए माइनस बी। चलो जा मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करो, हमको तो कोई भी एक रो कॉलम में 2 0 मिल जाए, बात खत्म। इसको इसमें ऐड करो, 0 ही होगा, 1 1 0 हो जाएगा, और 2c 2c भी 0 हो जाएगा, 2 0 एक साथ मिल जाएंगे। कॉलम नंबर 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में डालो, a प्लस बी प्लस सी, चलो डालोगे ये 0 हो गया। इसको माइनस 1 से करके डालोगे तो देखो क्या होगा, b है वो माइनस हो जाएगा, तो 2b माइनस b तो b अकेला, माइनस c का प्लस c, माइनस a का प्लस a, तो प्लस abc हुआ। 2c का 2c में डालोगे तो 0 हो जाएगा बेटा। इसका भी इसमें डालो तो काफ़ी कुछ 0 हो सकता है, पर ज़रूरत नहीं है, रहने दो जैसा है वैसे का वैसा। b माइनस c माइनस a 2c, 1 2b सी माइनस ए माइनस बी। वैसे कॉलम नंबर बिल्कुल रेडी है, आप दो तरीके से कर सकते हो, सीधा एक्सप्लेनेशन दो तो भी ठीक है, ये कॉमन निकालने के बाद दो तो भी ठीक है, सब अपने लिए जायज़। पर हम सीधा ही कर देते हैं। तो 4 कॉम्पोनेंट हमको देखने हैं जो डायमंड शेप में आते हैं, उसमें ये आता है हमारा कॉम्पोनेंट, तो उसको आगे माइनस रखेंगे। चलो पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ए प्लस बी प्लस सी तो है, ब्रैकेट में जो हमको रखना है हमारा मेन कंपोनेंट माइनस है। अब जाके डिटरमिनेंट कौन सा बनेगा, तो ये रो जाएगी और ये कॉलम जाएगी, तो 1 1 2 c लिखते हैं, 1 1 2 c, c माइनस ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज, ए प्लस बी प्लस सी, इधर अगेन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसको इसके साथ 1 के साथ करोगे तो c माइनस ए माइनस बी, और इसको इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा कि भाई 1 माइनस 2 c हो जाएगा।
जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस टू सी, ब्रैकेट क्लोज। अगेन ए प्लस बी प्लस सी, ये माइनस है, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी तो था, चलो माइनस ए माइनस बी और ये सी माइनस टू सी तो वो भी माइनस, तो माइनस ए माइनस बी एंड माइनस सी। ओके एक काम करो, ये तीनों में से माइनस कॉमन निकालो, तो तीनों प्लस और ये माइनस और ये माइनस बी प्लस, तो मेरे पास तीन ब्रैकेट तो बचे, पर कैसे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, अंदर भी एक ए प्लस बी प्लस सी और ये भी अभी ए प्लस बी प्लस सी ही हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब प्रूव दैट हो गया। हमको क्या चाहिए था, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, वो हमको मिल गया। तो 10 ना मिले तो तीसरी एक मेथड भी हमने ढूंढ निकाली, कौन सी, तो सभी को एक जगह इकट्ठा करके शायद एक कॉमन कंपोनेंट बन जाए, तो उसको कॉमन निकालने के बाद बाय डिफॉल्ट 1 आने वाला है और 1 हमको हेल्प करेगा। क्लियर। दूसरा सम क्या है, उसी में सम नंबर 11 में, शायद उसी पैटर्न का, उसी मेथड का इजी है। बात करते हैं LHS की, क्या है LHS हमारा, एक्स वाई टू जेड एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड और फिर x है और y है। चलो दूसरा हमारे रो है z, z फिर कंपोनेंट है हमारे पास y प्लस जेड टू एक्स, y प्लस जेड टू एक्स और ये y है। चलो दो y मिल गए, जेड एक्स, जेड एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई, चलो ऐसा है जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब ही प्रूव दैट करना है, पर आगे एक बोनस दिया हुआ है, ऐसा 2 है आगे, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब ही करना है, क्या करना है, क्यूब, सेम थिंग है, बस अब हमें सोचना है कि क्या करने से कॉमन निकलेगा, कुछ करेगा, डायरेक्टली तो थोड़े बहुत जीरो आएंगे, सब नहीं आए, जैसे इसको इसमें डालो तो जेड जेड जीरो हो जाएगा, इसको इसमें डालो तो जेड जेड जीरो हो जाएगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं, पर उसे इजी ट्रिक है कंपोनेंट कॉमन करने की अवेलेबल। जैसे देखो इसमें कॉलम में जाते हैं, रो में तो जेड जेड करोगे तो 2 प्लस 2 4 जेड हो जाएगा, x को x में डालो 2x, y को y में डालो 2y और 2z तो है ही, तो सबको ऐसा इकट्ठा करोगे तो सब 2 2 2 2 के फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे कॉलम नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में और 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में, सबको 1 में लाओ तो ऐसा हो जाएगा 2x 2y 2z, 2x 2y 2z और इधर भी 2x 2y 2z, हो गया सभी का। चलो बाकी जो बचा वो लिख दो x y प्लस जेड प्लस 2x और x y y z प्लस x प्लस 2y। क्लियर। चलो जाहिर सी बात है कॉलम नंबर 1 में से कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा कॉलम नंबर 1 में से, 1 अपॉन, एक काम करो 2 अलग से ही कॉमन ले लो, x प्लस y प्लस z, तो कॉमन निकल गया 2x प्लस वाई प्लस जेड तो निकल गया, तो ये 1 1 1 फिर x y प्लस जेड 2x फिर x अगेन y y z प्लस x प्लस 2y, कंप्लीट। चलो इतना है, अब सिंपल है, आई होप दैट आप इजीली कर पाओ बेटा। 1 को 0 करना है, इसको माइनस करके डालोगे माइनस 1 1 0 y y 0, दो कंपोनेंट 0 हो गए, तो हम सीधा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और बिल्कुल इजी, इसीलिए है क्योंकि हमको सेम ऊपर जैसा कॉपी लाना है, आगे 2 का प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया। अब एक्सप्लेन करोगे तो ऐसे ही दो ब्रैकेट अंदर आएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा और बात खत्म। क्लियर। तो यहाँ से आप होमवर्क में कर सकते हो, इजीली आप आंसर ला सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है और कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो नंबर 11 के दो सम दो ही हुए हैं पर लेंदी है, उसमें भी दूसरा आपको आधा होमवर्क में दिया है, तो दो हमने किए, दोनों में एक ही पैटर्न पे बड़ा काम किया, सभी को एक जगह इकट्ठा करने के बाद ही रो कॉलम सेट होती थी, तो एक जगह पे इकट्ठा किया LHS फिर RHS। जस्ट 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद भी एक सम है वो कंप्लीट कर देते हैं। रफ कर रहा हूँ, सम नंबर 12 वो भी ख़त्म कर देते हैं, देन आफ्टर 13 पे जाएंगे, 13 14 और भी थोड़े लेंदी है, 12 भी लेंदी है, पर एक ही सम शायद आ पाएगा इसीलिए वो ख़त्म कर दें।
क्या है क्वेश्चन नंबर 12, LHS RHS की बात है एक ही समय उसमें, तो नंबर 12 उसकी LHS क्या है, तो LHS है 1xx2, ऐसा 1xx2, x2 1x, x2 1x, xx2 1, xx2 1, और हमको प्रूव दैट करना है 1 माइनस x क्यूब का स्क्वायर। वैसे देखो बार बार एक चीज रिपीट हो रही है, वैसे ऐसा सम हमने पहले भी बार किया है सम नंबर 10 में, 1xx2 1x, x x2 1, तो जाहिर सी बात है सबको एक जगह इकट्ठा करना ही बेटर है क्योंकि सीधा तीनों कंपोनेंट सेम हो जाए। तो आप रो को चूज करो तो भी सेम है, कॉलम को चूज करो तो भी सेम है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे कॉलम नंबर 2 को 1 से करके 1 में डालो, कॉलम नंबर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में डालो तो क्या होगा, 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर एंड 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर। चलो तीनों चीज हो गई, क्या बचा, तो x1 x स्क्वायर x स्क्वायर x1। अब जाहिर सी बात है तीनों कंपोनेंट सेम है तो कॉलम नंबर 1 में 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर कॉमन ले लो, फ्यूचर में उसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी अभी ले लो, कुछ ना कुछ काम आएगा। तो बचा क्या, 1 1 1 x 1 x स्क्वायर x स्क्वायर x 1। चलो क्लियर, अभी 1 1 1 आ गया तो पहले जीरो लाने की कोशिश करो, जितने ज़्यादा जीरो आएंगे उसी हिसाब से मतलब कि सॉल्यूशन हमारा बनता जाएगा। चलो स्टार्ट करें, तो रो नंबर 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में और रो नंबर 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके 2 में, एक साथ दो को कर ही देते तो अभी 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर तो है ही। चलो इसको माइनस 1 करके इसमें दिए 0, ये x माइनस 1 और ये x स्क्वायर माइनस x, ये 0, ये 1 माइनस x स्क्वायर, ये x माइनस 1, ये 1 x स्क्वायर और ये 1, 2 0 का टारगेट था हमारा, वो ऑलरेडी हमारे पास मतलब कि फुलफिल हो गया। ओके, इसके अलावा भी कहीं शॉर्ट कहीं इजी बनता है तो थोड़ा बहुत मतलब कि हम बना सकते हैं, और सीधा एक्सप्लेनेशन देना है तो भी कोई इश्यू है नहीं, पर बनता है थोड़ा शॉर्ट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर लिखो पहले, 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर, देखो ब्रैकेट में मतलब कि डिटर्मिनेंट में 0 0 1 है, ठीक है, फिर देखो x माइनस 1 है तो x माइनस 1, यहां पे क्या है 1 माइनस x स्क्वायर है, मैं उसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। चलो इधर x स्क्वायर माइनस x, इसमें से x कॉमन ले लूं तो x माइनस 1, ये भी x माइनस 1 और ये भी 1। चलो थोड़ा डायरेक्ट करने जा रहा हूं, कैसे देखिएगा कि रो नंबर 1 में मुझे लग रहा है कि x माइनस 1 कॉमन है, रो नंबर 2 में भी है क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1 के दो कंपोनेंट बनने वाले, x माइनस 1 x प्लस 1 और इधर x माइनस 1 है, पर अभी मैंने बनाया ही नहीं है, पर मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लूं कि भाई रो नंबर 2 में से भी x माइनस 1 कॉमन ले लूं तो अब यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा, समझ में आ रहा है ना, यहाँ से एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया, दो कंपोनेंट बनेंगे मैंने बनाए नहीं है पर बाय डिफॉल्ट एक ले लिया और एक बचेगा, तो देखो क्या हुआ, 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर तो है, दो बार x माइनस 1 कॉमन निकाला तो उसका होल स्क्वायर कॉमन निकला और मैट्रिक डिटर्मिनेंट बिल्कुल ईजी हो गया, 0 हो गया 1 हो गया और ये x हो गया 0, इधर माइनस है और x माइनस 1 कॉमन निकल दिया तो x प्लस 1 बचा, ये निकल गया तो 1, ये 1 है और ये x स्क्वायर है और 1 है, देखो कितना सिंपल हो गया। अब सॉल्यूशन दो, तो 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, हम 1 को चूज करेंगे, 1 हमारा डायमंड शेप में नहीं है तो 1 वैसे के वैसे, चलो क्या आएगा, ये रो जाएगी ये कॉलम जाएगी, इस 1 x माइनस x प्लस 1 और ये 1 कंप्लीट। चलो करें एक्सप्लेन, तो 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर,
ओके इधर एक्सप्लेनेशन दो तो वन तो लिखने के, वन का वन के साथ वन, बीच में माइनस, फिर किसका एक्स का माइनस एक्स प्लस वन के साथ, क्लियर। तो वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, साइन में थोड़ा ध्यान रखना गलती से कुछ हो ना जाए, माइनस माइनस बाय डिफॉल्ट प्लस होगा, तो ब्रैकेट में वन प्लस एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वेयर और एक्स का वन के साथ एक्स, तो वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, ब्रैकेट तोड़ दिया, दो माइनस माइनस बाय डिफॉल्ट प्लस बन गए, तो वापस ऐसा ब्रैकेट आया, तो इसका भी होल स्क्वेयर, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर का भी होल स्क्वेयर और एक्स माइनस वन का भी होल स्क्वेयर। तो ऐसा चाहिए तो नहीं, हमको तो क्यूब चाहिए, वन माइनस एक्स क्यूब का हो, पर दोनों का होल स्क्वायर है तो मैं कॉमन में ऐसा लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, फिर वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। तो है क्या ये चीज, मतलब क्या है, तो एक्स माइनस वन की जगह पे देखो मैं एक काम करूँ, माइनस कॉमन निकालू तो वन में, पर होल स्क्वायर है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, तो वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों ऑलरेडी और कुछ नहीं है, वन माइनस एक्स क्यूब का ही एक्सप्लेनेशन है। आप देखो वन माइनस एक्स क्यूब का एक्सप्लेनेशन करो तो क्या हो जाता है, वन माइनस एक्स पहले का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और एक्स का स्क्वायर, वन क्यूब माइनस एक्स क्यूब का, और ऊपर होल स्क्वायर तो है ही, तो बाय डिफॉल्ट हो गया वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। समझ में आया सबको, सिंपल है बहुत, कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं और कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ओके। सिंपल एक जगह इकट्ठा किया, वन का जीरो बनाया, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन तक कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट थोड़ा ध्यान इधर रखना है, ये भी सही है, दोनों का होल स्क्वायर भी सही है, ये और ये दोनों ब्रैकेट किसका एक्सप्लेनेशन है, तो वन माइनस एक्स क्यूब का, ब्रैकेट तोड़ो तो वन माइनस एक्स और ये दूसरा ब्रैकेट, तो उसको शॉर्ट में लिख के फिर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। पर सम सभी लेंदी है, एक ब्लैक बोर्ड पर दो कर पाना बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टाइम 13-14 दो ही एमसीक्यू या दो ही क्वेश्चन बचे, 15-16 तो हमारे एमसीक्यू है, तो शायद उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम 4.2 ख़त्म कर दे, छोटा सा हिस्सा बाकी रह गया, एक वीडियो में ख़त्म हो जाए, फिर 4.3 4.4 वो सब तो छोटी है। तो आज के लिए बड़ा इतना, अच्छे से होमवर्क करके सही तरीके से वर्कआउट ख़त्म करो, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम सम नंबर 13 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, थैंक यू।